आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही लौकी का बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। इसे सुबह के नाश्ते में खाएं या तो शाम का हल्का फुल्का बनाकर खा सकते हैं। जो भी खाएगा इसे पहचान नहीं पाएगा। यहाँ पर मैंने एक कप चावल को पहले से भिंगो कर रखा है और ये नॉर्मल चावल है जो डेली यूज करती हूँ, वही चावल है। जार के अंदर डाल दिया, दो हरा मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा पानी और इसे पीस लिया। ये देखिए, अगर चावल भिंगोना भूल गया है तो इसके जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा लौकी लिया, इसका छिलका निकाल लिया, एक बड़े साइज का आलू लिया, इसका भी छिलका निकाल लिया, लौकी को कद्दूकस कर लिया है और आलू को चिप्स कटर से गोल पीसेस में कट कर लिया है। तो इसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गुलकी जीरा का पाउडर, पिसा हुआ पेस्ट को इसमें डाल दिया है, दो बड़े चम्मच बेसन डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा जीरा डाला है और इसमें धनिया पत्ता डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। सभी को यहाँ पर मैंने मिला दिया है। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है। तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर तेल है जो गर्म हो गया, तो एक चम्मच लौकी का मिश्रण डाला, एक आलू का पीसेस को ऊपर से रख दिया है, एक चम्मच लौकी का मिश्रण ऊपर से डाला है, इसे कवर कर दिया है। सेम तरीक़ा से इधर भी किया है और इसे कम गैस पर लग जाते हैं 3 से 4 मिनट पकने में, तो गैस को ज़्यादा ना रखें। तो इसे मैंने दूसरी साइड पलट दिया है और इसी तरह उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड ही अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों को लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप इस तरह से नाश्ता बनाकर उसे टिफ़िन में दे सकते हैं या तो शाम को हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप ये बनाकर खा के देखिए, बहुत ही आपको टेस्टी लगेगा। मेरी बेटी को नहीं पसंद आता तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और वो सारा टिफ़िन ही फिनिश करके आती है। तो यहाँ पर सारा मैंने इसी तरह से बना लिया है, ये देखिए। तो आप इसे चाहे तो मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं या तो आप ऐसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरी रेसिपी को घर पर इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर कोई गेस्ट भी आ जाए उसे भी आप खिलाइएगा तो बिल्कुल वो पहचान नहीं पाएंगे कि आपने लौकी से इतना टेस्टी बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।